गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो 13 और 14 जुलाई को इंटरव्यू हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। रडार के बारे में बताओ, रडार क्या होता है? यह रेडियो के डायरेक्शन एंड रेंज का लघु रूप है, जिसे रडार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी तो रेडियो के डायरेक्शन एंड रेंज का लघु रूप है। यह एक यंत्र होता है जिससे समस्त दिशाओं की ऊंची फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंग भेजी जाती है, जो आकाश में उड़ने वाले वायुयान आदि से टकराकर वापस आती है। रडार इन तरंगों को ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार अदृश्य विमान या आदि की दिशा, स्थिति के गति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो रडार क्या कार्य करता है यहाँ पर? तो रडार यह रेडियो के डायरेक्शन एंड रेंज का लघु रूप है। यह एक यंत्र होता है जिससे समस्त दिशाओं की ऊंची फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंग भेजी जाती है, जो आकाश में उड़ने वाले वायुयान आदि से टकरा कर वापस आती है। रडार इन तरंगों को ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार अदृश्य विमान आदि की दिशा, स्थिति के गति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन था, आवाज़ की तीव्रता की इकाई बताओ। तो आवाज़ की तीव्रता की इकाई होता है डेसिबल, इसे डीबी से भी डिनोट करते हैं, जानते हैं, जाना जाता है इसे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन था पूछा गया वो है, मलेरिया के कारण की खोज किसने किया था? तो मलेरिया के कारण की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने। इसके बाद जो था, रक्त के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो रक्त के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो लाल रक्त कणिका होता है, श्वेत रक्त कण होता है और हीमोग्लोबिन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, प्राणियों के शरीर का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्राणियों के शरीर का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है, फासिल पौधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फासिल पौधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेलियोबॉटनी कहते हैं। ये देखिए, फेसबुक पर मेरा एक पेज चलता है, ग्रुप भी है, तो आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में हर किस्म के जॉब से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। आइए, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क में जानते ही हैं कि सूर्य मंदिर है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो, न्यूक्लियर रसायन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर रसायन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस की रासायनिक बनावट से संबंधित ज्ञान को न्यूक्लियर रसायन कहते हैं। आई प्रत्यय से कोई दो शब्द बनाओ, ये हिंदी का क्वेश्चन है। पढ़ाई और लिखाई, आई जानते ही हैं प्रत्यय कहाँ लगता है, कोई भी शब्द के पीछे पीछे लगता है, मतलब कि बाद में लगता है, तो उसे पढ़ाई, आई यहाँ प्रत्यय लगाकर पढ़ाई और लिखाई दो प्रत्यय बनाया गया है। वो है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो, राजेश का संधि विच्छेद मत करो। राज धन इस राजेश हो जाएगा, यह गुड़ संधि होता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, रवि के फसल के बारे में बताओ। रवि की फसल कौन कौन सी होती है और कब होती है? तो ये दोनों मैं इसमें डाल दिया। तो ये जाड़े की फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाँ इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, रबी की फसल का, गेहूं, चना, जौ, सरसों, तिलहन, ये सब रबी की फसल है।
इसके बाद पूछा गया पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जैसे माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया किलोबाइट का संक्षिप्त रूप क्या होगा? किलोबाइट का संक्षिप्त रूप केबी होता है और 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। अभी पीछे आपने देख लिया। ये देखिए अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इस लिंक पर जाकर PDF ले सकते हैं। इसके बाद देखिए कौन सा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैथ्स है और पूछा गया 230 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, इसका सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। मैंने सॉल्व किया है, 46 रुपये आया है। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। एक चीज ये बताना चाहूँगा कि कुछ लड़के जो हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए कि मैथ में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से चैप्टर से मैथ का क्वेश्चन तैयार करें। तो मैं उन लोग से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू के वीडियो डाले हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं उन सबको आप एक कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और फिर उस हिसाब से आप मिलाइए, क्योंकि इतने दिन हो गया है अभी तक उससे बाहर का चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है, बस इतने ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये सब चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए। और एक बात ये है कि जिन लोगों का इंटरव्यू हो जा रहा है तो वो लोग अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर कीजिए, क्योंकि इस समय क्वेश्चंस बहुत कम मेरे पास आ पा रहे हैं जिसके कारण वीडियो भी बहुत छोटा हो जा रहा है और क्वेश्चन भी कम मिल पा रहे हैं सबके पास। तो जिन लोगों का इंटरव्यू हो जा रहा है वो लोग प्लीज क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि मैं उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में ले सकूं। और क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब मेरे ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर देख लीजिए selfguidestudy@gmail.com। ये selfguidestudy@gmail.com आप इस ईमेल आईडी पर वो जो भी क्वेश्चंस हैं वो भेज दें मेरे ईमेल आईडी पर। आइए आगे चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये देखिए www.youtube.com/selfguidestudycenter है, इस लिंक पर जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में भी करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके थोड़ा बहुत। और धन्यवाद।